ओ क्या पानी चल रहा भाई साहब, साफ सुथरा नाड़ा बिल्कुल जबरदस्त थोड़ा। ये आज गया राजस्थानी खाना शिमला मिर्च जबरदस्त एकदम। अभी भी 26 किलोमीटर चलना दिखा रही है यू सिंगल डंडो ना कि डीजल को या यूरिया का। ये होटल भी लगा सो रहा है, राजस्थान होटल है अहमदाबाद में रिंग रोड पे। अनलोडिंग कंप्लीट कर दी, अब चलते हैं अहमदाबाद सीधा, और गोडाउन में से निकलते ही जाम में फंस गया, जाम लग रहा है। चल सीधा मुंबई पार करके मिलता हूँ हाईवे, ठीक है। हाँ जी भाई, ये तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। हम भी मस्त हैं भाई एकदम गजब। मुंबई पार कर ली, पेड़ पौधा की हरियाली से अंदाजो ही लग रहा होगा कि मुंबई पार करी। अभी मुंबई पार करने में काफ़ी परेशानी हो गई, काफ़ी कई कई घंटा ख़राब हो जाए भाई। ट्रैफिक इतना ज़बरदस्त हो रहा, मतलब अगर फर्स्ट लेन में आ गए ना तो सेकंड लाइन में जाना को ना मिल रहा गैप, इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक हो पड़ो। सूरत अभी 100 किलोमीटर और फर्स्ट लेन में चलना को चालान है, पुलिस वाला ने देख लियो ना तुरंत चालान मारे को 5,000 रुपये सीधा, और कारण की लाइन लग रही मेरे पीछे, और लाइन में चलना मुश्किल हो जाए क्योंकि सामने वाली गाड़ी चले बिल्कुल 30 पे 35 पे, हमारा फर्स्ट गियर ना लगे 30 35 पे, पूर्ति ना हो रही। लाइन होनी चाहिए जो कम से कम 5 लाइन होनी चाहिए एक साइड में और 5 हो परली साइड में, परल रखियो भाई थोड़ा परल रखियो भाई। ट्रैफिक इतना जबरदस्त सच में, जब तक यू रोड चलना होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जब तक पार पड़े ही ना। मैं पहुंच चुका हूँ बड़ौदा, 4:30 को टाइम हो रहा, मतलब जितनी शाम हो रही है ना इतना ही ट्रैफिक बढ़ रहा, इतना ही बढ़ा है लोकल ट्रैफिक। फर्स्ट लाइन में चल रहा हूँ, फर्स्ट लाइन वाला चालान उठा रहा है, लेकिन वो घूमना थोड़ी सी आगे सुनी एक एक बॉक्स है यहीं को बड़ौदा को, वो देख जाना अपना साथ ही हाल हो रहा, टचिंग देख के जा रहा एक एक बॉक्स के मारे डोल रहा है, डिलीवरी वाला बना पड़ा भाई साहब, क्या चौड़ी चौड़ी गाड़ी जा रही है। बाड़ी सुख कितनी थी आगे बाहर त्रिपाल देख, करीब 1.5 हाथ है पुरली लाइन के ऊपर गया ही बिल्कुल, देख खड़ा हो रहा गाड़ी में पीछे, इतनी बड़ौदा सिटी है, काफी बिल्डिंग वल्डिंग नजर आ रही है, और इतलू भी मेन सिटी थी इतलू, ये बाईपास है इतलू मेन सिटी थी, बाईपास ना आप जान के कंपनी दूर दूर का बनावे, लेकिन फिर भी सारो ट्रैफिक इतना बढ़ जाए फिर सारा मकानों का सब बाहर आ जाए। हेलो मुंबई 433 वडोदरा 2 किलोमीटर है, यहीं से घूमना अमन ने, यहीं से यहीं से यहीं से यहीं से यहीं से टर्न राइट ले भाई टर्न। ओहो क्या पानी चल रहा भाई साहब, साफ सुथरा नाड़ा बिल्कुल जबरदस्त थोड़ा। In 300 meters, turn left. 300 meter, turn left, ठीक है, मतलब ये गोडाउन है तेरे कहना का मतलब ही है कि सामने जो भाई साहब जबरदस्त नहर शीशा में दिख रहा सूरज, ये भाई साहब धो रहा गाड़ी है पानी ला ला के नहर में से गाड़ी धो रहा, देख चमकार आ गई गाड़ी भाई, जबरदस्त सिस्टम है। शायद इनमें खाली होगी गोडाउन देख लेता हूँ मैं, वो रास्ता रुक कह दिए भाई 5 बॉक्स आया छोटा सा 3-4 किलो वजन होगा, कोई मैं 300 ग्राम हो कोई मैं 200 ग्राम है, ये स्कूटी वाले कार वाला लुक जगह ना भाई आप, सामने सूरज बिल्कुल चल रहा ना हाई पे भर के देख, ये बढ़िया रोड सहरसा हरी डिलीवरी है
हम सीधे चलते हैं अहमदाबाद, यहाँ से 100 किलोमीटर जाना इधर को, लेकिन घुमा के लाने पड़े गाड़ी आगे से। एक एक चाय मार लो ना, थी मंत्र सी कर रहा हूँ, स्टॉप रिपे एक चाय मार लेते हैं, यहाँ लगा दो साइड में। पीली भैया चाय निकलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं आगे। ब्रिज आगे जो ब्रिज है नी गोल्डन चौकड़ी, आज घुमा के वापस लाऊंगा। मेरे को लेना डीजल, देखना पड़ेगा भाई गाड़ी अहमदाबाद से ले लेंगे अगर पहुंचेगी तो। रेत मिट्टी में पड़ो, 126 किलोमीटर चलना दिखा रही है, और इनसे अहमदाबाद 100 किलोमीटर है, पहुँच तो जाएगी। फिर भी रिस्क क्यों लिए, जाकर नहीं एक अंदर से भारत पंप है, वापस डीजल ले आऊँगा पहले, फिर से लेंगे। रुक क्यों भाई साहब, भाई साहब बहुत जबरदस्त चल रहा रोड, भर के बुरोई रोड चल रहा भर के भाई, मोह इतनी चलने की देख बैस मिल को मोह हल्को चढ़ कर सर्विस लाइन ले लेनी गाड़ी, वापस घूम कर आना ब्रिज के नीचे से। जितनी शाम होगी रोड इतनी फर्क चलेगा ज्यादा, और फिर रात में हल्को कम हो जाएगा, फुल रात में 1-2 बजे के बाद टम्बू वाला रॉन्ग साइड आ रहा है, बड़ंगला वाला रॉन्ग साइड का लगा रहा। चलो सही है, मैं घुमा के लाऊं गाड़ी है। ये ब्रिज के नीचे जो रोड गए सीधे शाम लाज गए, हलोल कलोल हो गए, हलोल कलोल गोदरा और सीधे मुंबई गए, ये आपको पता हो मैं अभी सुबह हूँ। और इतकी साइड वापस, इतकी साइड तो बड़ौदा में घुस गए, उरली साइड जब मैं घुमाऊंगा, इतकी साइड अहमदाबाद गए सीधा। घुमा लाओ गाड़ी, ये रोड सीधा अहमदाबाद गए, लेकिन थोड़ी सी आगे सू एक और रोड जा रहा 100 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे, अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेस वे, वापस जाऊंगा। हालांकि रोड जो ई जा रहा है मेन यूपी रोड एकदम गजब है, और वो एक्सप्रेस है उधर ही एक्सप्रेस वे रोड यूपी, ऐसा ही रोड भी जो जा रहा हो बढ़िया आई भी ना, कोई दिक्कत ना, पर एक्सप्रेस वे पे की जान हम ज़्यादा स्वाद आवे। अगर ये हाईवे पर सीधे जाऊँगा ना, ये सीधे भी अहमदाबाद गए, जो सामने दिख रहा हो नहीं ऐसा यही सीधे भी कोई कमी ना, यास जो दिख रहा हो यासु बढ़िया आई आगे सु, लेकिन जो एक्सप्रेस वे जा रहा है वो सामने जो ब्रिज है ये रोड छोड़ देंगे सर्विस लाइन पर ले कर, जब वो एक्सप्रेस चढ़ रहा हो वो भी अहमदाबाद भी जा रहा है वो जानो एक्सप्रेस वे का, मतलब मैं यहाँ छोड़ दूँगा और एक्सप्रेस वे जाऊँगा, और एक्सप्रेस वे से पहले मैं ब्रिज के नीचे राइट जाऊँगा एक आध 1-2 किलोमीटर पहले कहूँगा भारत पंप पर डीजल, क्योंकि कोई भारत पंप ना ही पीछे 20 किलोमीटर है ही नहीं 1-2 किलोमीटर मैप पर देखो मैंने, तो डीजल लेकर वापस घुमा कर जब एक्सप्रेस चढ़ूँगा पहले डीजल ले कर आऊँगा। सूरज ओटक हो गो पेड़न का, देखी बड़ोदरा सामने एक बोर्ड लग रहा है, NE1 थी बोर्ड लग रहा हूँ सामने, NE1 नेशनल एक्सप्रेस वे 1, देखिए सीधे कितनों का जब रोड है, बड़े रोड ना एकदम सुपर। पहले गाड़ी पहले ई दो लाइन अब बनाई फालतू है, मतलब ये नीचे के लेना जरूरत ना, अगर एक्सप्रेस चढ़ेगा तो सीधे ही नहीं चढ़ जाएगा ऊपर गई, पहले ये दो लाइन है नीचे के जाकर चढ़ाया, अब नीचे के चढ़ जाऊंगा एक्सप्रेस पे और ऊपर के चढ़ जाऊंगा। अगर मोटी जल ना लेना हो तो मैं ऊपर के चढ़ जाता हूँ, ब्रिज पे से एक्सप्रेस कट बना दियो पहले ना हो। सारी कार खड़ी है मोहित साइड जा रहा हूँ डीजल लेकर, ट्रैफिक देख कितना जबरदस्त ट्रैफिक, लाइन लग रही है
इन ये शायद पंप कहाँ से राइट साइड में दिखा जा रहा हूँ कितने का गए पता ना ट्रैफिक भी हो हद ट्रैफिक है कहाँ पंप है उड़िया गए शायद पंप के सामने कट होने पर बहुत अच्छी बात है ना तो फिर सामने घुमा के लाने पड़े कहीं आगे थोड़ी जी बस पहले राइट लेफ्ट साइड में पानी आएगा पानी भर पड़ो मेरे दिमाग से मैप पे दिखा रहा हूँ जैसे और बस पार करते ही राइट साइड में पंप है अपने नहीं भर पड़ो पानी दिखा रहा मैप पे दे रहा ये तालाब है तालाब पार करते ही एचपी पंप है तालाब पार करते ही एचपी पंप से पहले शायद चालू है दे रहा सामने इन पंप रहो सामने दे रहो कट भी आएगा पंप के सामने ये पंप रहो कोई ना आ रहा है सामने ले लेता हूँ राजस्थान होटल भी इन ये पंप डीजल ले लेता हूँ उसके बाद निकलते हैं यहाँ से वापिस अभी भी 26 किलोमीटर चलना दिखा रही है यू सिंगल डंडो ना कि डीजल को या यूरिया का चार डंडा रहा 50 लीटर लेना है खाली लेगा वो या नीचे घुमा के वापस एक्सप्रेस चढ़े घुमा लाई चढ़ गो राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेस वे ये दो लाइन ही चढ़ गया आगे नहीं बाकी पूरा रोड गए नीचे गए वालू अहमदाबाद लू जो जा रहा नीचे ये जो रोड गया ना नीचे सीधे अहमदाबाद गए और ये जो ऊपर गए भी अहमदाबाद गए देख कितना अच्छा रोड नीचे वाला जबरदस्त रोड खूबसूरत लेकिन ये एक्सपीरियंस है जब मैं चल रहा हूँ वो नेशनल हाईवे 8 नंबर जो दिल्ली मुंबई वाला हो ये ब्रिज के नीचे गए सीधा ये भी घूम के ही भी गए अहमदाबाद ले तो अभी कटे में हाईवे बने हुआ आगे जी नहीं जा रहा नीचे के एक्सपीरियंस नीचे जा रहा है ये बड़ौदा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे कोई ना हरो आ जाओ इतलो अब ऐसे ही रोड है अहमदाबाद छोड़ेगा कोई रुकना की जगह ना कुछ ना है 100 किलोमीटर को ही 99 किलोमीटर को पूरा चल सही है दिन छिप को मगर को टाइम होगा कहीं रोक के नमाज वमाज पढ़ के चल पड़ो 7:51 हो चुकी और सामने है अहमदाबाद ये एक्सप्रेस वे भी छोड़ना टाइम आगो थोड़ी सी आगे छोड़ जाऊंगा अहमदाबाद जो रिंग रोड है ना वो अब चढ़ जाऊंगा सीधे घुस गए अहमदाबाद में ये रोड 10-12 किलोमीटर को बचो मुश्किल से अहमदाबाद में जा ख़त्म हो जाए अंदर ही सिटी में लेकिन बाईपास रिंग रोड अब चढ़ के और 5-7 किलोमीटर आगे हसलाली में अनलोडिंग होगी अपनी सुबह ही तो वहाँ पहले ही एक होटल है राजस्थानी बहुत बड़ी पार्किंग काफ़ी आप वहाँ पे अपने लगा के सोऊंगा खाना वाना होने खाऊंगा और बाद फिर हूँ सुबह 6-7 खड़े होकर अपने लोकेशन पहुँच जाऊंगा और अनलोड कर देंगे सुबह और यहाँ से फिर देखते हैं कहाँ का लोड होता है रिंग रोड एग्जिट 1000 मीटर आगे रिंग रोड 1000 मीटर आगे रिंग रोड एग्जिट भाई साहब के झोल रो पैदल बैग लटका गया रहते का दे रहा हूँ आओ कहाँ से हुई कोई भरोस ना रहे सो आदमी कहाँ फंसा गया बड़ौदा से यार हो सुबह ही चलो का कुछ ना पता आज टाइम में कोई कहाँ मूड में डोल रो
टोल प्लाजा आ गए, भीम टोल प्लाजा 200 मीटर आ गए। टोल प्लाजा घूम गई तो जान सामने पुलिस वाला गाड़ी खड़ी ही नहीं कटे लेफ्ट साइड में दे रहा हो। सरखेज राजकोट पोरबंदर सफेद लाइट बंद कर लूँ नहीं पुलिस वाला का आखन पड़ेगी। सामने टोल अपने गाड़ी का नंबर आ रहा है डिस्प्ले में। हेरिंग रोड पे तगड़ी भीड़ रहे देख रहा आज आज पता ना कैसे भीड़ दिखते रही गाड़ी चलती बस फुल ट्रैफिक रहे। आप राजकोट 224 सरखेज 21 पोरबंदर 405 जो है अहमदाबाद को रिंग रोड है जना को पीछे आ रही है गाड़ी पर फर्स्ट लाइन में चल सही थोड़ी सी आ गए होटल पे रुकन मिलो। आज गया है राजस्थानी खाना शिमला मिर्च जबरदस्त एकदम बहुत ही स्वाद भाई सच में ये होटल भी लगा अक्सर हो रहा है राजस्थान होटल है अहमदाबाद में रिंग रोड पे लिखड़े खाली करें जैसे सूरज घना ही ऊपर आगे 8:30 असल में जब दिनों 10 बजे आ गए वजह से नहीं खड़ो घुमा के ले जाओ गाड़ी या होटल खड़ो रात में आप सो दे रही काफ़ी लंबी जगह है खाना वाना में बड़े खमा जोरदार मैंने आपने दिखाई भी क्लिप यहीं से 3-4 किलोमीटर आग जाके असल आलिम खाली हुई चल सही है वहीं जाकर मिलूंगा जहाँ खाली हुई खाली करके नहीं खड़ा भैया अहमदाबाद में राजकोट रोड के बिल्कुल बराबर रिंग रोड के भीतर थोड़ी सी एक होटल है गैलेक्सी काफ़ी सारी गाड़ी खड़ी है इतकी साइड में होटल है थोड़ी सी पैरल पार्किंग बड़ी सारी। वीडियो लाइक करियो शेयर करियो चैनल सब्सक्राइब करियो फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करियो ठीक है फिर मिलते हैं कैसी और अच्छी सी वीडियो में। टेक केयर अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें देखते रहें हमारा व्लॉग। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए फिर मिलेंगे ऐसी अच्छी सी वीडियो में।